देखिए, निर्दल भी जो लड़ रहा है, 1000 वोट भी नहीं पाएगा, वो भी जीतने का दावा कर रहा है। यहाँ हमारा जो समीकरण है, देखिए, एनडीए में यहाँ प्रमुख दल हैं निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी। चार दल यहाँ मजबूत संगठन है, चारों लोगों का वोट है। अब वहीं समाजवादी पार्टी अकेले है, कौन दूसरा उनको वोट, दूसरी पार्टी का कोई है साथ में? इससे भी उनको यह एहसास कर लेना चाहिए कि हम गलत बोल रहे हैं, जो वो बोलते हैं उनकी आदत है उन लोगों की। नहीं, दारा सिंह चौहान के प्रति तो लोगों में नाराज़गी देखने को मिली, ख़ास तौर से जो ये रोड है, जो बेल्ट है, इसमें ये महसूस किया गया। नहीं, आपकी बात जो कह रहे हैं, देखिए, लोग जो दारा से नाराज हैं, वो दारा जी को वोट नहीं दे रहे हैं, वो योगी मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। मजे की बात तो ये, मैं गांव में सुन रहा हूँ कि बाबू, हम लोग आपसे बहुत प्रभावित हैं, चुनाव आप जितवा दोगे बहुत बंपर वोट से। हम लोग भी दिग्भ्रमित थे, लेकिन आपने हम लोगों की आँख खोल दी। वो ये कह रहे हैं कि हम अगर सपा को वोट देंगे तो अखिलेश को मिलेगा, यहाँ जाति नहीं हम मानते, हम लोग अगर वोट देते जाति के नाम पर तो वो साकिल सपा को वोट मिलेगा, हम अगर कमल के फूल पर वोट देंगे तो कुछ तो राजपूत के नौजवान लड़के ये कहे कि हम योगीवादी हैं, योगी को वोट देंगे, हम इनको वोट नहीं दे रहे हैं, ऐसा मतलब सुनने को मिला। तो ये चीज़ें उभर करके सामने आई हैं, तो जो नाराज़गी थी, अब कल के रैली से सब नाराज़गी खत्म हो गई। अब सब जगह जश्न मन रहा है जीत का, बस इंतज़ार है 5 तारीख का कि 5 की तारीख जल्दी आ जाए, हम लोग बटन दबा करके कमल के फूल पर दारा चौहान को भेज दें, एक शपथ नहीं 2 शपथ दिला दें।